हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने इंडियन गाउन का घेर का कटिंग और स्टिचिंग देखा था और इस वीडियो में हम उसका आगे का पार्ट देखेंगे। तो ये देखिए, हमने पेपर के ऊपर बॉडी मार्क करके लिया हुआ है। हमने डबल पेपर लिया है तो जो बॉडी की लंबाई हमने रखी है वो है 10 इंचेस, यानी कि 9 इंचेस रेडी होगा, 1 इंच सीम अलाउंस में जाएगा। गले की विड्थ हमने रखी है 2.5 इंचेस, शोल्डर हमने रखा है 2 इंचेस, और यहाँ पे आर्म होल हमने रखा है 5 इंचेस का, और इसका चेस्ट जो है हमने रखा है 7 इंचेस, यानी कि 6 इंच रेडी होगा, 1 इंच हमने सीम अलाउंस के लिए लिया है, और नीचे हमने यहाँ पे 6.5 इंच लिया हुआ है। और इसके साथ ही में यहाँ पे ऊपर हमने 1/4 इंच का शोल्डर स्लोप लिया है, और जो नेक की लंबाई है वो हमने 1.5 इंच ही रखी हुई है। इसके साथ ही में हमने फ्रंट और बैक 2 आर्म होल यहाँ पे मार्क करके लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर की तरफ से हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से पकड़ते हुए हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, और दूसरी तरफ भी हम 3 इंच पे ही मार्क करके लेंगे, और दोनों जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं उनको हम जोड़ के लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, यानी कि जो साइड्स में एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो साइड का एक्स्ट्रा था वो कट करके लिया हुआ है, और जो अब हम क्या करेंगे, 3 इंच पे हमने लाइन लगाई थी उस लाइन को भी हम कट करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कट करके लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बैक का पार्ट है उसको हम सेपरेट निकाल के रख लेंगे, और ये जो है हमारा फ्रंट है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने आर्म होल एक्स्ट्रा मार्क किया हुआ था उसको कट करके लेंगे। ऊपर और नीचे के हिस्से में दोनों तरफ से भी हमें आर्म होल कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो फ्रंट का आर्म होल था उसे कट करके लिया है। अब ये देखिए हमारे पास बैक का और फ्रंट का दोनों पार्ट तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो नीचे वाले हिस्से हैं इनको हम जो हमारा मेन फैब्रिक है रेड कलर का इसके ऊपर कट करके लेंगे, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने जो नेट का कपड़ा लिया हुआ था उसके ऊपर कट करके लेंगे। और हमें कट करते वक्त ध्यान रखना है दोनों में भी हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए ऊपर वाले हिस्से में नीचे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा, और नीचे वाले हिस्से में ऊपर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा रख के कट करना है। तो ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रख के कट किया हुआ है, और इसके हमने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हुए हैं, यानी कि फ्रंट के 2 पीस और बैक के भी 2 पीस ही लिए हुए हैं। तो ये नेट का कपड़ा हम साइड में रख देंगे, इसको हम पेपर कटिंग के साथ ही रखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये देखिए ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसे कट करके लिया है, और इसके साथ में हमने लाइनिंग का कपड़ा भी कट करके लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे के पीसेस कट करके लिए हुए हैं उसमें फ्रंट का पार्ट हम लेंगे, और इसके ऊपर जो फ्रंट का हमने ऊपर वाला नेट कट करके लिया था उसको लेंगे, इस तरह से इसके ऊपर इसको उल्टा रख के लेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम लाइनिंग में भी करेंगे। ये देखिए इस तरह से जो नेट का पीस हमने लिया था उसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रख के लेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा ऊपर रखना है और ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगानी है, हमें दोनों पीस में ऐसे ही करके लेना है। और इसके साथ ही में जो हमने बैक वाला कपड़ा लिया था उसके ऊपर भी हमें इसी तरह से इसको जोड़ के लेना है, यानी कि जो नेट का कपड़ा है उसको फैब्रिक के ऊपर रखते हुए ऊपर से एक सिलाई लगानी है। इसमें भी हमें सेम लाइनिंग में भी इसी तरह से करना है। तो ये देखिए चारों पीसेस में हमने इस तरह से नेट को जोड़ के तैयार करके लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा के ली हुई है, और अब हम क्या करेंगे, सिलाई को नीचे की तरफ मोड़ के लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई को जो मेन फैब्रिक है उसकी तरफ मोड़ते हुए ऊपर से हमें एक सिलाई लगा देनी है। चारों पीसेस में भी हम ऐसे ही करके लेंगे। सिलाई लगने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कपड़ा है उसको हम पहले नीचे रख के लेंगे। उसको नीचे रखने के बाद में क्या करेंगे, जो हमने लाइनिंग का कपड़ा जोड़ के लिया था उसको
इसके ऊपर उल्टा रख के लेंगे। देखिए सिलाई हमारी ऊपर की तरफ आई हुई है, इस तरह से उल्टे रखते हुए हम इसके आर्म होल में और गले में सिलाई लगाएंगे जो हमारा फ्रंट है उसका। और जो बैक है, बैक में हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से रखते हुए, यानी कि जो मेन फैब्रिक है उसको नीचे रखते हुए और उसके ऊपर जो हमारा लाइनिंग है उसे उल्टा रखकर सिर्फ गले में एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। ये जो हमारा फ्रंट है इसमें हमने आर्मोल और गले में सिलाई लगा के ली हुई है, और जो बैक है इसमें सिर्फ गले में सिलाई लगा के ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसके गले में और आर्मोल में नॉचेस लगा के लेंगे, यानी कि छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी नॉचेस लग चुकी हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको सीधी तरफ मोड़ के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी तरफ मोड़ के लिया है। और इसको सीधी तरफ मोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, जो आर्मर और गले में हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से हम एक और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें एक और सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई के ऊपर ठीक से एक और सिलाई लगा के ली है, और यहाँ पे बीच में भी हमने एक सिलाई लगाई है ताकि वो ठीक से बैठ जाए। तो ये देखिए फ्रंट और बैक में हमें दोनों तरफ से नीट फिनिशिंग मिल चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैक लिया था जिसका सिर्फ गले में हमने सिलाई लगाई थी, उसके अंदर हम जो हमने फ्रंट रेडी करके लिया था उसको रखेंगे। तो ये देखिए इसको हम दोनों मेन फैब्रिक एक दूसरे को फेस करते हुए अंदर रखते हुए जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको इसके ऊपर रखते हुए इसके शोल्डर और आर्मोल में सिलाई लगा के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको नीटली पकड़ते हुए शोल्डर और आर्मोल में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने आर्मोल और शोल्डर में सिलाई लगा के ली हुई है, और यहाँ पे नॉचेस भी लगा के लिए हैं। और इसको अब हम क्या करेंगे, सीधी तरफ मोड़ के लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने इस तरह से सीधी तरफ मोड़ के लिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, बैक में भी फ्रंट के जैसे ही ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, यानी कि एक आर्मोल से शुरू करते हुए दूसरी आर्मोल तक पूरी एक सिलाई लगानी है, और बीच में भी एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बैक भी सिल के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको बीचों बीच से कट करके लेंगे ताकि इसमें हम जिप लगा सकें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको बीचों बीच से दो पीसेस में कट करके लिया है, और यहाँ पे हमने दो लाइनिंग की पट्टियाँ भी ली हुई हैं। इसको हमने एक तरफ फोल्ड करके सिलाया है, और दूसरे कॉर्नर से हम इसको इसके ऊपर रखते हुए आधा इंच के डिस्टेंस में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। और अब हम इसको सीधे मोड़ते हुए एक और सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, और अब इसको अंदर की तरफ से मोड़ते हुए इसमें हम जिप को लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जिप लग के तैयार है। यहाँ पे हमने आधे इंच के डिस्टेंस में जिप को लगाया हुआ है। अब जिप लगने के बाद में हम क्या करेंगे, जो बॉडी में हमने सीम अलाउंस रखा था, जो एक इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, उसी सीम अलाउंस के हिसाब से दोनों तरफ से हम एक एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है, और यहाँ पे हमारा बॉडी बन के तैयार है। और अब हम इसको सीधी तरफ मोड़ के लेंगे। सीधी तरफ मोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो हमने घेर तैयार करके लिया था, घेर का कटिंग और स्टिचिंग हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, तो हम क्या करेंगे, इसको घेर के साथ में जोड़ के लेंगे। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, घेर को बॉडी के ऊपर इस तरफ से रख के लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको उल्टा मोड़ते हुए इसको हम बॉडी को अंदर की तरफ लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बॉडी हमारे अंदर की तरफ आ चुकी है, और अब पूरी गोलाई में हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरह से पूरी गोलाई में हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ली हुई है। और अब हम क्या करेंगे, जो घेर है उसको हम उल्टी तरफ से फोल्ड करके लेंगे, यानी कि ये देखिए जो बॉडी है उसके अंदर से घेर को धक्का देते हुए हम बॉडी से इसको उल्टा करके लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे उल्टा पकड़ के लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसके साथ में लाइनिंग का कपड़ा कट करके लिया हुआ था उसको हम डालेंगे। यहाँ देखिए लाइनिंग के कपड़े को हमने नीचे से पीकू करके लिया है, चाहे तो आप इसमें स्टिच भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए
जो लाइनिंग का कपड़ा है इसको भी हम जैसे हमने घेर पकड़ा था वैसे ही पकड़ते हुए उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सिलाई लग चुकी है, जो पिछली सिलाई थी हमने उसी के ऊपर रखते हुए एक और सिलाई लगा के ली है। और अब हम इसको सीधी तरफ मोड़ के लेंगे, यानी कि जो लाइनिंग है उसको हम बॉडी से अंदर डालते हुए इसको हम सीधी तरफ मोड़ के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे अंदर की तरफ धक्का देते हुए फ्रॉक को सीधी तरफ करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा गाउन बनके तैयार है। और यहाँ पे हमें एक पट्टी लगा के लेंगे, अगर आप चाहें तो इसको यहीं पे फिनिशिंग भी दे सकते हैं। अगर आपको यहीं पे फिनिशिंग देना है तो ये देखिए इस तरह से जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं उनको यहाँ पे गले में और जहाँ पे जॉइंट आया था वहाँ पे देते हुए इसको यहीं पे ख़त्म करके ले सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे एक पट्टी लगा सकते हैं, यानी कि जो घेर का कपड़ा है उसका एक स्ट्रिप लेते हुए फ्रंट टू बैक तक उसे जोड़ के लगा सकते हैं। तो ये देखिए पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 26 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा पट्टी लिया हुआ है। ये हमारा घेर का फैब्रिक है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावर्स भी आए हुए हैं। इसको हम सबसे पहले उल्टा रख के लेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरह से स्पंज का पीस रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर स्पंज रखना है और इसको हम क्या करेंगे उल्टा मोड़ते हुए, यानी कि ये देखिए जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पकड़ते हुए इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ से हम सिलाई को शुरू करके लेंगे, एक कॉर्नर से शुरू करते हुए पूरी लंबाई में हमें सिलाई लगा के लेनी है और दूसरे कॉर्नर में भी हमें सिलाई लगा के लेनी है। बीचों बीच में हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, ये देखिए इतनी सी जगह हम यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ से हम इसको सीधी तरफ मोड़ दें। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है और यहाँ पे हमने गैप रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे इसको गैप के अंदर से सीधी तरफ मोड़ के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें पूरी कपड़े को सीधी तरफ मोड़ के लेना है। तो ये देखिए इसको हमने यहाँ पे पूरा सीधी तरफ मोड़ के लिया हुआ है और अब हम इसको क्या करेंगे इस तरह से फोल्ड करके फ्रॉक में अटैच कर देंगे। तो ये देखिए अटैच करने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह से फ्रॉक लिया हुआ है, इसको हम बीचों बीच में फ्लावर आने के जैसे रख के लेंगे और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम पीछे की तरफ मोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको पकड़ के लेना है और इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ हम इस तरह से इसको पकड़ के लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए जाएंगे और सिलाई को दूसरी कॉर्नर में फिनिश करेंगे। और जो यहाँ पे हमने गैप छोड़ा था उसको हम इस तरह से फोल्ड करके पकड़ते हुए उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पिन करके रखा हुआ है ताकि जो हमने कपड़ा पकड़ा है वो हिले ना और बराबर से इसके ऊपर से सिलाई बैठ जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम जिप को ओपन करके एक कोने से सिलाई को शुरू करके लेंगे और इसी सिलाई को कंटिन्यू करते हुए दूसरे एंड तक पूरी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे सिलाई लग के ये बेल्ट तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्ट हमारा गिर नहीं रहा है बल्कि अच्छे से रुक रहा है क्योंकि हमने इसमें स्पॉन्ज लगाया था। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट लग के हमारा गाउन तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।